गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। कल हम लोग 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, आज हम लोग 11 से देखेंगे। चलिए देखते हैं। 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर सीट ऑफ अ पेपर इज फोल्डेड एंड टैप्ड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर सीट है 11 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का, और उसको फिर टैप्ड, उसको फोल्ड किया गया, अपनाया गया सिलेंडर। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। और आपको क्वेश्चन नंबर 11 में हिंट में लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। मतलब जो इसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर, वो सर्कमफेरेंस जो सिलेंडर का बेस है उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल है, मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस के इक्वल है। चलिए देखते हैं। रखेंगे लेंथ 11 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, तो हम लोग रेडियस निकालेंगे। फॉर्मूला 2 पाई आर होता है इज इक्वल टू 11, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 11, 44 आर बाई 7 इज इक्वल टू 11 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 44 आर इज इक्वल टू 7 इंटू 11 हो गया। अब आर इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, ये ना 11 से ये 4 टाइम्स में कटेगा, 4 से जब इसको काटेंगे तो 1.75 सेंटीमीटर। ये आया सिलेंडर का रेडियस, जो बेस रेडियस रहता है सर्कल का वही रेडियस सिलेंडर का भी रहता ही है ना। और ये जो ब्रेथ दिया गया है ना, ये ब्रेथ हाइट हो जाएगा सिलेंडर का हाइट, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है 22 बाय 7 इंटू आर 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो आएगा 269.5 बाय 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका वॉल्यूम है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयरन सिलेंड्रिकल पाइप हैज थिकनेस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल इज 7 ग्राम फाइंड द मास ऑफ 63 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। आपके क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे जो ये डायमीटर दिया गया है ना, ये डायमीटर नहीं है, ये है रेडियस, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती दिया है, ये होगा रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयरन सिलेंड्रिकल पाइप है, मतलब आयरन का बना हुआ सिलेंड्रिकल पाइप है, और उसका थिकनेस मोटाई दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया 7 सेंटीमीटर रेडियस, सॉरी रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर। और फिर बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का मास है 7 ग्राम, तो 63 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप का मास कितना हुआ। चलिए देखते हैं, पहले फोटो बना लेते हैं सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका रेडियस दिया गया है एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसका मोटाई दिया गया है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 7 ग्राम। इसका वो जो 63 लॉन्ग पाइप लिखा हुआ है ना लास्ट में, फाइंड द मास ऑफ 63 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, तो ये ना जो 63 सेंटीमीटर है वो इसका हाइट है, क्या इसका हाइट है। तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है ये 7 सेंटीमीटर, और एच है अपने पास 63, ठीक है, 7 से काटेंगे इसको 9 तो आएगा 198 ब्रैकेट 7 स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए। अब दूसरे का निकालते हैं, तो इसमें मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आप रेडियस क्या हो जाएगा,
मोटाई सिर्फ एक तरफ से ही घटाएंगे क्योंकि एक तरफ से ही घटता है। 7 - 0.5 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 63। 7 से काटेंगे 198 ब्रैकेट्स सॉरी 6.5 का होल स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। 198 7 स्क्वायर माइनस 198 ब्रैकेट 6.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 198 को कॉमन ले सकते हैं। 198 ब्रैकेट 7 स्क्वायर माइनस 6.5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक है, 198 ब्रैकेट 7 माइनस 6.5 ब्रैकेट 7 प्लस 6.5। ठीक है, 198 इंटू इसका आएगा 0.5 इंटू इसको जोड़ेंगे तो आएगा 30.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1336.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। तो हमसे मास पूछा है तो मास इज इक्वल टू 1336.5 जो हम लोग का आया है वॉल्यूम इंटू 7 कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9355.5 ग्राम। केजी में कर देते हैं 9355.5 बाई 1000। ठीक है, डिवाइड कर दिया इससे 9.3555 kg। इसका अप्रोक्स वैल्यू 9.356 kg। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। अ वेल विथ डायमीटर 5.6 मीटर एंड 25 मीटर इज डग आउट एंड द सॉइल सो डग आउट इज स्प्रेड ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 11 मीटर। Find the height of platform formed by spreading the soil on the rectangular plot. बोल रहा है कि एक वेल है, ठीक है, और उसका हम लोगों को डायमीटर दिया गया है और हाइट दिया गया है, और उसको खोदा जाता है जब तो जो मिट्टी होता है वो स्प्रेड मतलब फैल जाता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट रहता है मतलब फील्ड टाइप का, ठीक है, और उसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। तो हमें बताना है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था प्लेटफॉर्म वाला तो उसका हाइट कितना कितना हुआ। चलिए देखते हैं, लिखेंगे डायमीटर 5.6 मीटर हाइट 25 मीटर रेडियस निकाल देंगे 5.6 / 2.8 मीटर। ओके, अब हम लोग निकालेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो वेल होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। कभी भी आप वेल देखेंगे नीचे से गहरा होता है ऊपर से खुला हुआ रहता है, तो उसका साइज कैसा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का, इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर 2.8 इंटू 2.8 इंटू 25। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको 0.4 टाइम कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मतलब कि वर्टिकल टाइप का है तभी निकाल रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, एल इंटू वी इंटू एच फॉर्मूला होता है। एल कितना है 20, वी है 11 इंटू एच 220 एच। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल हो जाएगा 220 एच इज इक्वल टू 616, तो एच इज इक्वल टू 616 बाई 220। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.8 टाइम्स कट जाएगा, मतलब इसका हाइट आया 2.8, प्लेटफॉर्म का हाइट 2.8। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर इफ दिस वाटर इज इम्प्टीड इन टू
क्यूबॉइडल टर्म ऑफ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइज इन द ट्यूब. एक सिलेंड्रिकल बकेट है ठीक है, उसमें वाटर फिल्ड है और उसका डायमीटर दिया गया है और उसका हाइट दिया गया है हम लोग को, और उसको एम्प्टी किया जाता है, खाली किया जाता है किसमें, एक क्यूबॉइडल टब है, टब टाइप का क्यूबॉइडल है वो ठीक है, और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है हम लोग को. तो हमें बताना है कि जब उसमें जो टब में जो पानी गया तो उसका हाइट कितना राइज कर गया. चलिए देखते हैं, पहले लिखेंगे डायमीटर 28 सेंटीमीटर हाइट 15 सेंटीमीटर. तो हम लोग रेडियस निकालेंगे, निकालेंगे ना रेडियस 28/2 14 सेंटीमीटर आ गया. अब हम लोग निकालेंगे इसका वॉल्यूम, ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 × 14 और एच है 15 है ना. 7 से इसको काटे 2 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 × 40 सेंटीमीटर. ये हो गया इसका बकेट का वॉल्यूम. अब उसको किस में भरा जाता है, एक क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल टाइप का टब है बना दिया ठीक है. और इसका लेंथ कितना दिया गया है, इसका लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर. इसका ब्रेथ है 28 सेंटीमीटर. इसका हाइट जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे समझ लीजिए ये जो हाइट दिया गया है ना, ये हाइट इस चीज का है, ये क्या बोलते हैं ट्यूब का है ठीक है, और इसमें पानी यहाँ तक का भर गया है, पूरा तो नहीं भरा है, यहाँ तक कवर दिया गया है और ये तो पूरा हाइट है. तो हम लोग को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ठीक है. ये ना टब का हाइट है, लेकिन हम लोग का पानी इसमें कहाँ बोला है कि पूरा भरा है ठीक है. तो ये यहाँ तक भरा गया मान लीजिए, तो ये इस हाइट का आपको कोई काम नहीं है. तो हाँ हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टब एल इंटू वी इंटू एच ठीक है. एल कितना है 50 इंटू 28 और एच एच ही मान लीजिए 1400 एच हो जाएगा ठीक है. तो लिखेंगे राइजेस हाइट इज इक्वल टू 9240 बाई 1400. ये एच जो था वही राइजेस हाइट था है ना, तो इससे डिवाइड कर देंगे 1400 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला गया. इससे इसको काटेंगे तो आएगा 6.6 सेंटीमीटर. इतना इसका हाइट बढ़ गया जब इसको टब में निकाला गया ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15, अ सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर टू बी मेड फ्रॉम द मेटल शीट. हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द वेसल. बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल है और वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है ठीक है, और उसका डायमीटर दिया गया 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर ठीक है, और उसको बनाया गया है मेटल शीट से. तो हमें बताना है कितना मेटल शीट लगेगा उस वेसल को बनाने में ठीक है, कितना रिक्वायर्ड. चलिए देखते हैं, लिखेंगे डायमीटर 14 सेंटीमीटर हाइट 10.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस निकालेंगे 14/2 7 सेंटीमीटर ठीक है. अब हम लोग इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया. सी एस ए ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2πrs 2 × 2 × 7 × r × 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया कर्व सरफेस एरिया. अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πr(r+h) होता है ना 2 × 22/7 × r 7
ब्रैकेट 7 + 10.5 पता है, तो ये 44 × 17.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आए 770 cm². ये हो गया इसका टोटल सर्फेस एरिया। तो जो हम लोग को कितना रिक्वायर्ड है उसको बंद करने के लिए, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल एरिया 462 + 770 1232 cm². ऊपर से बंद करना है, नीचे से बंद है, तो ऊपर से बंद करने के लिए डिवाइड बाई टू, आधा ही ना बंद करना है, आधा तो नीचे से बंद है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया 1232 by 2 616 cm². ओके, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग अपना वीडियो देखा करिए, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग का कमेंट बहुत कम है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ट्राई टू इट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।